आप सभी का स्वागत है ब्लैक लू गेमिंग में। और आज मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल की 25 टिप्स एंड ट्रिक्स जो काफी ज्यादा काम की है, क्योंकि ये कुछ ऐसी टिप्स है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं और इन्हीं की वजह से वो इस गेम से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और ये जो 25 टिप्स है, 25 टिप्स में से कुछ टिप्स आप पबजी पीसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी टिप्स पबजी मोबाइल के लिए है। और इस वीडियो में मैं एम रख रहा हूँ 100 लाइक का, कि इस वीडियो में 100 लाइक होने चाहिए। भाई मुझे नहीं पता कि आप कैसे लाइक करोगे, बस इस वीडियो में लाइक होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर जाके ये जो टिप्स है उनको देखो। तो शुरुआत करते हैं पहली टिप से, जो कि है फॉलो एंड इन्वाइट। तो जब से ये ऑप्शन आया है फॉलो एंड इनवाइट का, तब से पबजी में जो स्क्वाड और डुओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और इसी की वजह से जो टीम होती है वो एक साथ रह पाती है, एक साथ लैंड कर पाती है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी टीम होती है, आपकी टीम में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको मैप के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि कहाँ आपको लूट मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। या आप खुद भी एक ऐसे हो सकते हो कि आपको ही पता होगा कि कहाँ पर लूट है, कहाँ पर नहीं है। तो अगर आपको खुद को पता है तो आप दूसरों को इनवाइट कर सकते, ताकि जब भी आप लैंडिंग करो पैराशूट से तो आपको फॉलो करे जो भी, जिसको भी आप इनवाइट करते हो। और अगर आपको नहीं पता मैप के बारे में तो आप किसी दूसरे को फॉलो कर सकते हो, ताकि आप उसके साथ लैंड करो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको हर किसी को यूज़ करना चाहिए डुओ और स्क्वाड में। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो आपकी टीम इधर उधर बिखरेगी, और फिर ऐसी टीम को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शुरुआत में ही, क्योंकि शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। और जो दूसरी टिप है वो है गेट येलो थिंग्स फर्स्ट। तो जब भी आप किसी ड्रॉप के पास जाते हो या आपको कोई भी लूट मिलती है, तो आप देखते हो कि जो भी सामान उठाने का ऑप्शन होता है वहाँ पर कुछ सामान येलो में होता है और कुछ सामान ग्रे में होता है। लेकिन जो येलो वाला होता है वो येलो इसलिए होता है क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको होती है, इसलिए वो येलो दिखता है। मतलब कि जैसे आपके पास हेलमेट नहीं है और अगर आपको हेलमेट मिलता है तो ये आपको खुद ही बता देगा कि ये आपकी प्रायोरिटी है, सबसे पहले इसको उठाना है। या आपके पास लेवल 2 का है और लेवल 3 का आगे मिला है तो भी ये बताएगा कि आपको लेवल 3 का मिला है, आप इसको उठाओ और पुराना वाला फेंक दो। और इसे बंदूक की गोलियाँ उठाने में कन्फ्यूज़न नहीं होती, जो जो सी आपके पास बंदूक होती है सिर्फ वही गोली आपको येलो दिखती है, ताकि आप उनको जल्दी से पिक कर सको। जो भी हेल्थ का सामान होता है वो येलो दिखेगा आपको, अगर आपके पास वो हेल्थ नहीं है। और अगर गन का कुछ सामान होता है जैसे सप्रेसर होता है तो वो भी आपको येलो दिखता है, अगर उसकी ज़रूरत होती है आपकी गन में। अगर नहीं होती है तो येलो नहीं दिखता है। तो सबसे पहले आपको येलो थिंग्स को सबसे पहले उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है सबसे पहले उठाने की। और तीसरी टिप है डिसेबल ऑटो पिक। तो ये चीज़ आपने काफ़ी बार देखी होगी कि जब भी आप किसी लूट के पास जाते हो या किसी ड्रॉप के पास जाते हो, जैसे ही उसको खोलते हो तो चीज़ें अपने आप ही आपके बैग में भरना शुरू हो जाती है। वो सारी चीज़ें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती वो भी चीज़ आपके पास आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आपका बैग फुल हो जाता है और फिर आप आगे चीज़ें उठा नहीं पाते जो आपकी मनपसंद चीज़ें होती है। तो इसको डिसेबल करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपको सेटिंग में जाना, और जो ऑटो पिक का ऑप्शन है वहाँ जाकर आप इसको डिसेबल कर सकते हो। और किस किस मोड पे आप इसको डिसेबल करना चाहते हो वो भी आप इस पे कर सकते हो। तो अगर आपने अभी अभी गेम डाउनलोड किया है तो सबसे पहले जाकर इसको डिसेबल कर दो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में इनेबल मिलेगा आपको। और जो चौथी टिप है वो है हाइड इन बुश। तो ये काफ़ी खास चीज़ होती है जो बुश होती है, इनको गेम में इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसमें छुप सको। और अगर आप लेटे रहते हो तो लेट के आपको कोई भी देख सकता है, आप इधर उधर नहीं घूम के देख सकते अपने चारों तरफ, लेकिन आप बुश में बैठ के आराम से देख सकते हो चारों तरफ। और आराम से बैठ के आप जो आपको स्नाइपिंग वगैरह करनी है वो भी आप आराम से कर सकते हो। और पाँचवीं जो टिप है वो है पिक एक्स्ट्रा थिंग्स। तो ये वाली टिप है वो डुओ और स्क्वाड के लिए है, क्योंकि येलो थिंग के बाद अगर आप दूसरी चीज़ों को कलेक्ट करते हो, जैसे आपने सप्रेसर कर दिया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने स्कोप कलेक्ट कर लिया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या आपने एक्स्ट्रा हेल्थ कलेक्ट कर ली जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको अपनी टीम को दे सकते हो। क्या पता आपकी टीम को उसकी ज़रूरत हो, जैसे कि कई बार आप दूसरे गन की एमओ कलेक्ट कर लेते हो और वो वाली गन आपके दोस्त के पास होती है तो आप अपनी एमओ उसको दे सकते हो। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि जो भी चीज़ें आप फालतू की चीज़ें इकट्ठा करते हो उन चीज़ों को आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। और छठी जो टिप है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो है कि रिमूव एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इससे पहले वाली जो टिप है वो तब काम आती है जब आप एक बड़े सर्कल में रहते हो, सर्कल से बाहर रहते हो, मतलब कि सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है जिसके अंदर आपको जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो रिमूव एक्स्ट्रा थिंग्स है वो आपको तब काम आएगी जब आपका सर्कल बिल्कुल छोटा हो जाएगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरी चीज़ों की, जो खास चीज़ें होगी जो ड्रॉप से मिलेगी, तो उन चीज़ों के लिए आपको स्पेस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए आप बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी चीज़ों को रिचेक कर सकते हो, ताकि आप अपना बैकपैक खाली रख सको और जो खास सामान होगा वो आप पिक कर सको। जब आपका सर्कल छोटा हो रहा हो तब आप ऐसा कीजिए, नहीं तो आप इससे पहली वाली टिप को यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्कल छोटा होने से पहले आपको पहली वाली टिप को फॉलो करना होता है और उसके बाद आपको करना फॉलो होता है ये वाली टिप।
और सातवीं जो टिप है वो है रिमूव बैकपैक। तो ये टिप तब काम आते हैं जब सर्कल बिल्कुल ही छोटा होता है और वहाँ पर आप भाग नहीं सकते बिल्कुल भी, तो वहाँ छुपने के लिए आपको बैकपैक रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि अगर बैकपैक पहनकर आप नीचे लेटकर चलते हो या बैठकर चलते हो तो बैकपैक की वजह से आप दिख जाते हो, इसलिए आपको बैकपैक रिमूव करना पड़ता है ताकि जब आप लेटकर चलो तो बैकपैक की वजह से आप ना दिखो। और 7-8 बंदों को किल करने के लिए आपको बैकपैक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बैकपैक को उतार दो और फिर आराम से छुप छुप के आप किल करो। और अगली जो टिप है वो है एमओ। तो इसमें करना क्या होता है कि जब आप एमओ कलेक्ट करते हो, इसमें कई बार ऐसा होता है कि दूसरे गन की भी एमओ होती है जो आपके काम की नहीं होती है, तो उनको सबसे पहले कलेक्ट कर ले जब आप अपने गन की एमओ कलेक्ट कर चुके हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप दूसरे घर में जाते हो या दूसरे ड्रॉप में जाते हो, वहाँ से आप सामान पिक करते हो, तो वहाँ अगर आपको कोई अच्छी गन मिलती है और आपको जब एमओ की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ये वाली टिप काम आएगी। और एमओ को पिक करना स्क्वाड में भी यूज़फुल होता है क्योंकि आप अपने दोस्तों को एमओ भी दे सकते हो, और ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे एमओ दे दो, आप उनको कम करके भी दे सकते हो एमओ, जितनी उनको गोलियों की ज़रूरत हो आप उतनी दे सकते हो या जितनी आप देना चाहो उतनी दे सकते हो। और 9वीं जो टिप है वो है फॉलो द सर्कल। तो ये काफ़ी खास चीज़ है क्योंकि मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो सर्कल का ऑप्शन बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है ताकि जो आसपास के लोग हैं जितने भी उसमें उतरे हैं सो के सो वो उसके अंदर आते रहे। तो सर्कल फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सर्कल में रहो, आप सर्कल के बाहर भी रह सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर ही मिलते हैं सर्कल के, लेकिन आप बार बार मैप में रिचेक करते रहे कि सर्कल कितना है, कितना छोटा हुआ है, और उसको लगातार फॉलो करते रहे, तभी आप इस गेम में बने रहोगे, नहीं तो आप जल्दी से मारे जाओगे। अगर आप डेंजर जोन में फंस जाते हो और वहाँ पर आपको एनिमीज मिल जाते हो तो आपको निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आपके पास गाड़ी भी नहीं है तब भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेंजर जोन में से निकलना। और 10वीं जो टिप है वो है चेंज आर्मर एंड हेलमेट। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मर और हेलमेट की भी एबिलिटी होती है, आप जैसा जैसा उनको ज़्यादा यूज़ करोगे उनकी एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब जो उनकी हेल्थ होती है वो ख़त्म होती जाएगी, इसलिए उनको चेंज करते रहे। अगर आपके पास लेवल 1 का और आगे आपको वापस से लेवल 1 का होता है तो आप उसको एक्सचेंज कर ले, ये मत सोचे कि आपको लेवल 1 का मिला है तो वो किसी काम का नहीं है, आप उसको बार बार एक्सचेंज करते रहे ताकि जो आपका आर्मर और हेलमेट है वो हमेशा नया रहे। और 11वीं जो टिप है वो है मूव व्हेन फायर। तो कई बार क्या होता है कि सामने से एकदम अचानक से कोई प्लेयर आ जाता है, आपको मारना शुरू कर देता है, तो उस वक्त हम करते क्या है कि हम अपने बंदूक को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, निशाने लगाना शुरू करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें मूव भी करना होता है, और अगर आप मूव नहीं करते तो इतने में ही आपका जो एनिमी है वो आपको किल कर देगा। तो इसलिए आपको मूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो एनिमी के निशाने ना लग सके, और मूव करते करते ही आपको अपनी गन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, जो भी आपको ग्रेनेड वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं वो आपको मूव करते वक्त ही सिलेक्ट करने होते हैं। तो अगर आप बीच में रुके तो आप एनिमी का एक अच्छा किल बनोगे, इसलिए आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कूदने लग जाओ या भागने लग जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको रुकना नहीं है ना ही आपको लेटना है उस वक्त। और अगली जो टिप है वो है चेंज गन व्हेन रीलोडिंग। तो आपको तो पता ही होगा जब सामने से एनिमी आता है और हम गन चलाने लगते हैं और एकदम से रिलोडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो किल होता है वो एनिमी बड़ी आसानी से ले लेता है। तो इसके लिए जो आपको नीचे 2 गन दी हुई होती है आप फटाफट से उन दोनों को चेंज कर सकते हो, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए लेकिन ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है क्योंकि गन रिलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास मशीन गन जैसी गन है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है रिलोड होने में, तो फायरिंग करते वक्त आपकी गोलियां ख़त्म हो जाती है तो उसको रिलोड बिल्कुल भी मत करें, उसी वक्त आप दूसरी गन सिलेक्ट कर ले और उससे फायरिंग करना शुरू कर दे, नहीं तो आप बड़ी आसानी से इस गेम से बाहर हो जाओगे। और 13वीं जो टिप है वो है यूज़ सेकंड फायर बटन। आपने अपनी स्क्रीन में देखा होगा कि एक राइट में बटन होता है, एक लेफ्ट में बटन होता है फायरिंग का जो बटन होता है, लेकिन आप ज़्यादातर राइट का ही बटन यूज़ करते हो क्योंकि आपको उसी की आदत हो जाती है, वहीं पर आपको बैठने उठने के बटन होते हैं और वहीं पर आपका फायरिंग का बटन होता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप स्नाइपिंग करते हो या आप स्कोप का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो बता दो कि जो लेफ़्ट वाला बटन होता है फायरिंग का वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो आप फटाफट से किल नहीं ले पाओगे क्योंकि जो स्क्रीन का नेविगेटर होता है वो पूरी स्क्रीन होती है जिसको आप नेविगेट करते हो इधर से उधर, तो जब आप दूसरे हाथ से स्क्रीन को नेविगेट करोगे और लेफ़्ट वाले बटन से आप फायर करोगे तो इससे आपको आसानी होगी फायरिंग करने में, तो इस बटन को भी यूज़ किया करो, काफ़ी काम का बटन है। और अगली जो टिप है वो है फास्ट फायर। और ये टिप उन लोगों के लिए है जो कि पैनिक हो जाते हैं जब सामने से कोई बंदूक चलाता है, तो आप इधर से उधर भागना शुरू कर देते हो, अपना स्कोप एडजस्ट करना शुरू कर देते हो जिसकी वजह से आप मारे जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्कोप सेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर सामने से कोई गोली चला रहा है और आपको दिख रहा है तो आप उस पर डायरेक्ट ही गोली चलाएं, और जब आप डायरेक्ट गोली चलाओगे तो
इतने चांसेस तो आपके पास रहेंगे कि आप उसको किल कर सको, तो इसलिए फास्ट फायर किया करो, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सामने दिखे उस पर फायर करना शुरू कर दो। और अगली जो टिप है वो है चेंज गन मोड, और ये वाला ऑप्शन उनके लिए है जो स्नाइपिंग करते हैं, क्योंकि पबजी गेम में कुछ गन ऐसी होती है जिनमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आपको जो गोली है वो आपको सिंगल चलानी है, मतलब कि जब आप क्लिक करते हो उस क्लिक पे सिर्फ एक गोली निकलनी चाहिए या उस क्लिक पे काफी सारी गोली निकलनी चाहिए। तो ये ऑप्शन काफी ज्यादा खास होता है स्नाइपिंग करते वक्त, क्योंकि स्नाइपिंग में हर कोई सोचता है कि वो एक क्लिक पे सिर्फ एक गोली छोड़े, तो उसके लिए जो गन होती है गन के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है जहां आपको मल्टी लिखा हुआ होता है या ब्रश लिखा हुआ होता है, इसको आपको सिंगल करना होता है। जब आप इसको सिंगल कर लेते हो तो जो आपका निशाना होगा स्कोप से वो इधर से उधर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जब मल्टी फायरिंग करते हो एक ही बटन से उससे आपकी बंदूक इधर से उधर हो जाती है जब आप स्नाइपिंग करते हो, लेकिन सिंगल करने पर आपकी जो गोली है वो एक ही जाएगी। और 16वीं जो टिप है वो है टैप एंड रिलीज, ये वाली टिप भी स्नाइपर के लिए है, क्योंकि कई बार जो स्नाइपिंग करते हैं हम जैसे ही टैप करते हैं स्क्रीन पे तब तक सामने वाला जो एनिमी है वो भाग चुका होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार गोलियां चलानी पड़ती है। तो इसके लिए आप सेटिंग में जा सकते हो और सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको डिसेबल या इनेबल करने का, और इसके लिए भी अलग अलग गन के लिए इनेबल डिसेबल होता है कि आपको स्नाइपिंग के लिए इनेबल डिसेबल करना है, दूसरी गन के लिए करना है। तो अगर आप स्नाइपिंग के लिए इसको इनेबल करते हो और जब आप इसको टैप करते हो, टैप करने के बाद आपकी जो गन है वो तैयार हो जाती है गोली को शूट करने के लिए, और जैसे ही आप अपनी उंगली को रिलीज़ करते हो मतलब छोड़ते हो वैसे ही गोली है वो शूट हो जाएगी, और इसका जो इफेक्ट है वो आप खुद फील कर सकते हो जब आप इसको यूज़ करोगे स्नाइपिंग में, क्योंकि इससे आपको निशाना लगाने में भी हेल्प होती है और जो गोली है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाती है, क्योंकि जब आप टैप करते हो तो उसमें कुछ मिली सेकेंड तो लगते ही होंगे जब आप अपनी उंगली को बटन की तरफ ले जाते हो, लेकिन जब आप रिलीज़ करते हो तो रिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है और इतने टाइम में जो गोली है वो एनिमी को लग जाती है। तो टैप एंड रिलीज़ का यूज़ करो अगर आप राइफल यूज़ करते हो तो। और 17वीं जो टिप है वो है यूज़ वॉइस चैट। आपने देखा होगा कि जो डुओ खेलते हैं और स्क्वाड खेलते हैं वो कई बार अपनी जो वॉइस है उसको बंद करके रखते हैं, जो माइक है माइक को बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा घबराते हैं अपनी आवाज़ को दूसरों को सुनाने से, और यही चीज़ टीम को एक साथ नहीं रख पाती, कि अगर आप नहीं बोलोगे माइक में तो आप अपनी टीम को नहीं बता पाओगे कि कहाँ से गोली आ रही है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या किसी को रिवाइव करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको वॉइस में पता चलती रहेगी और आप बोल सकते हो। तो भाई देखो वॉइस का यूज़ करना शुरू कर दो अगर आप नहीं करते हो, इससे आप अपनी टीम से जुड़े रह सकते हो और समझ सकते हो कि आपकी टीम को क्या ज़रूरत है या आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आप वॉइस में सुन सकते हो या मांग सकते हो। तो वॉइस को यूज़ करना सीखो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और 18वीं जो टिप है वो है सुपर पंच। तो कई बार क्या होता है आपको गन नहीं मिलती और एकदम से सामने से एनिमी आ जाता है जो आपको मारना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर काम आता है सुपर पंच, जो काफ़ी ज़्यादा सुपर होता है। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक बार जंप करना होता है और पंच बटन पे क्लिक करना होता है, तो इसका जो पंच की जो मार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी को पंच मारते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्थ जाती है, तो दो तीन ही पंच में जो एनिमी है वो जल्दी से किल हो जाएगा। तो सुपर पंच का भी यूज़ करना सीखो, काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। और 19वीं जो टिप है वो है यूज़ पेन। आपने देखा होगा कि जो पबजी मोबाइल और पबजी पीसी उसमें आपको पेन जरूर मिलता है, आपको गन मिले या ना मिले लेकिन पेन जरूर मिलता है। तो आपको एक खासियत बता दूं पेन की, कि पेन से आप गोलियों को रोक सकते हो काफ़ी आसानी से अगर आप इसका यूज़ करना सीख जाओ तो। ये काफ़ी खास चीज़ है, एक शील्ड की तरह भी काम करता है जो पेन होता है, और जब आप इससे किसी को मारते हो तो इसका जो डैमेज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो सुपर पंच होता है उसी के जैसा डैमेज होता है। तो काफ़ी अच्छा होता है पेन अगर आप इसको यूज़ करो तो, क्योंकि इससे गोलियां रोक सकती है और आपको जो हैंड गन होती है उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पेन को यूज़ करना सीख जाओ तो। और 20वीं जो टिप है उसको कोई भी यूज़ नहीं करना है, ना ही उसको यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिसको कोई यूज़ नहीं करता है, मतलब उसको कोई उठाता भी नहीं है, इतनी नफरत करते हैं उस चीज़ से, जिसका नाम है क्रॉसबो। तो आपको तो पता ही होगा कि जब हम क्रॉसबो यूज़ करते हैं तो जो उसका एरो जाता है उसमें भी 2-3 सेकंड लग जाते हैं एनिमी को लगने में, इसमें आप 3-4 गोली चला सकते हो। और आपको पता ही होगा कि जो एक्सबो होता है उसकी जो रिलोडिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब एक्सबो का एरो निकलता है और वो किसी को लगता है सीधा हेडशॉट लगता है, तो अगर उसने कोई सा भी लेवल का हेलमेट पहना हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही एरो में मर जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, ये काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि ये स्नाइपिंग करते वक्त काम आती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अड्डा बना के बैठ जाते हैं एक ही जगह और वहीं से सबको किल करते रहते हैं, तो उनको मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इस चीज़ से, आप एक ही बार में एक हेडशॉट ले सकते हो और उसको मार सकते हो। तो थोड़ा इसको यूज़ करना सीखो, काफ़ी काम की चीज़ है। और टिप है वो है यूज़ स्मोक ग्रेनेड।
तो अगर आप पबजी पीसी में खेलते हो तो ग्रेनेड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, स्मोक ग्रेनेड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो मोबाइल का पीसी है उसमें काफ़ी लोग कम करते हैं ग्रेनेड का यूज़, क्योंकि पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको इसको फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आप इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो स्मोक ग्रेनेड होता है ये काफ़ी काम का होता है, इससे आप एनिमी को चकमा दे सकते हो। अगर आपको फील हो रहा है कि ये सामने वाले घर में एनिमी है तो वहाँ पर आप ग्रेनेड फेंक के आप दूसरी जगह पर जा सकते हो, और इसको आप एक जगह और यूज़ कर सकते हो कि जब ड्रॉप आता है ऊपर से और जब ड्रॉप के आसपास आपको लगता है कि वहाँ पर आपको गोली लग सकती है तो आप ड्रॉप के ऊपर ग्रेनेड फेंक सकते हो, जो स्मोक ग्रेनेड होता है उसको फेंक सकते हो, ताकि आप ड्रॉप के पास जाके अपना जो भी सामान है वो निकाल सको, और इससे एनिमी आपको देख नहीं पाएगा और निशाना भी नहीं लगा पाएगा, इतने में आप निकल जाओगे वहाँ से। और स्मोक ग्रेनेड का यूज़ आप तब भी कर सकते हो जब आपको अपने जो एनिमी है उनको उलझाना हो, मतलब कि उनको बेवकूफ़ बनाना हो कि यहाँ पर कोई है, तो ऐसे भी आप उलझा सकते हो ताकि जो एनिमी है वो उसके पास आए और आप वहाँ पर एक अच्छा किल ले सको। और 22वीं जो टिप है वो है डू नॉट रन, और ये टिप तब काम आती है जब जो सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, और जब 100 लोगों में से बचे हो 12-13 लोग, तब ये काम आता है कि आपको बिल्कुल नहीं भागना है। आप चाहो तो लेट के जा सकते हो, बैठ के जा सकते हो, गाड़ी है तो गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो वहाँ पर आप गाड़ी भी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में रहोगे तो आप नंबर 1 पे आ सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो आप भागते रहोगे तो कोई भी राइफल से आपको शूट कर सकता है। और 23वीं जो टिप है वो है डू नॉट पैनिक इन रेड जोन। कुछ प्लेयर नए होते हैं जो गेम खेलते हैं और एकदम से सामने दिखता है कि मैप में कि इनके ऊपर रेड जोन आ गया और सब कुछ रेड हो गया है, जिसमें वो पैनिक हो जाते हैं और इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमी होते हैं वो अच्छा किल लेते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप इधर से उधर भागना शुरू कर देते हो। तो आपको बता दूं कि आप रेड जोन में भी एक अच्छा किल ले सकते हो। अगर आप किसी घर में घुस जाओ तो घर में घुसने का फ़ायदा ये होता है कि जो रेड जोन है उससे आप सेफ रहोगे, क्योंकि रेड जोन में ऊपर से बोम गिरते हैं, जिसकी वजह से अगर आप बाहर रहोगे तो आप मर सकते हो। गाड़ी रहोगे तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी से बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप घर में रहोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन भाग रहा है इधर से उधर, क्योंकि रेड जोन में कोई भी नहीं रुकता, हो सीधा घर की तरफ भागते हैं, और अगर आप किसी घर में हो तो कोई भी आपके घर में भी आ सकता है और वहाँ से आप दूर से निशाना भी लगा सकते हो। तो रेड जोन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है कि आप घर में घुस जाओ और वेट करो कि कौन कौन आपके घर में जा रहा है या दूसरे घर में कौन आ रहा है, क्योंकि यही एक टाइमिंग होती है जहाँ लोग भागते हैं बुरी तरह से। और 24वीं जो टिप है वो है गो अंडर वाटर, और ये टिप जब यूज़ होते हैं कि जब बीच में पानी होता है और पानी को आपको क्रॉस करना होता है, आपको पास ब्रिज नहीं है और आपको फिर भी क्रॉस करना होता है, तो जब आप तैरते हो वो आप ऊपर मत तैरो, वो पानी के अंदर से तैरो, मतलब अंदर ही अंदर जाओ, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एनिमी नहीं देख पाएगा। और जब आप पानी के अंदर होते हो तो पानी के अंदर आप बंदूक भी नहीं चला सकते हो, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं होता कि आप बंदूक चला सको, ना ही ये ऑप्शन आपको ड्राइविंग करते वक्त मिलता है और ना ही आपको स्विमिंग करते वक्त मिलता है। तो याद रखिए, जब भी आप तैर रहे हो पानी में तो पानी के अंदर से तैरे, ताकि आप आराम से बाहर निकल सको और अपनी बंदूक है उनको एडजस्ट कर सको। और लास्ट और 25वीं जो टिप है वो है प्ले होनेस्ट। तो ये वाली जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, जो सारी की सारी टिप है उनसे काफ़ी ज़्यादा खास है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हमारी टीम की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हमें टीम की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी टीम को छोड़ के चले जाते हैं। और जब उस बंदे को सामने से 4-5 मिलते हैं तब उसको मुड़ने का भी टाइम नहीं मिलता और उसी वक्त वो गेम से बाहर हो जाता है। और इसी के साथ ही कुछ लोग ये करते हैं कि जो ड्रॉप गिरता है या कुछ भी लूट होती है उसमें से चीज़ों को उठा ले, जिसकी ज़रूरत दूसरों को होती है वो चीज़ें दूसरों को नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों में आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी टीम की हेल्प नहीं करोगे या अपनी टीम से दूर चले जाओगे तो बता दो कि आपकी जो टीम है वो ज़्यादा देर तक तो टिक नहीं पाएगी और ना ही आप टिक पाओगे। तो ये चीज़ आपको सोचना नहीं है, आपको करना ज़रूरी है कि आपको टीम के साथ रहना, उनको फॉलो करना है, क्योंकि कई बार आप पर भी गोलियां लगती है, आपकी टीम पर भी गोलियां लगती है और कभी कभी रिवाइव करना पड़ता है दूसरे को, तो वहाँ आपकी ज़रूरत होती है। और अगर आपको इन टिप्स में से कुछ टिप्स पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।